है दिवाकर जी। दिवाकर जी नमस्कार, पूछे कौन से सर, स्टॉक पे सवाल है। मुझे तीन के जानना था, एक धनी, जोमेटो और विप्रो। ओके, धनी, जोमेटो, विप्रो, विप्रो सर, आपने लेके धनी रखे कि लेना चाहते हैं। जी नहीं सर, लेके रखा है 1000 शेयर 50 रुपए से धनी का, और 80 रुपए से जोमेटो है, और विप्रो जो है 483 रुपए से 500 शेयर है। चलिए ठीक है, पूछ लेते शिवांगी जी से। शिवांगी जी क्या करना चाहिए? धनी सर्विसेस लंबे समय बाद रडार पे आया है, वैसे भी स्टॉक जोमेटो और विप्रो। जी बिल्कुल, धनी सर्विसेज की अगर हम बात करें तो पिछले हम देख रहे हैं कि 5 सालों से ये स्टॉक जो है लगातार अंडर परफॉर्म किया है, और यहाँ पे कुछ जो है, अगर डेली फ्रेम में अगर हम बात करें तो वॉल्यूम्स काफी शालो है, मूवमेंट उतना स्टीप नहीं है, पर अगेन अपने सपोर्ट जोन्स को भी होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी कि बने रह सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा डाउन साइड नहीं एक्सपेक्टेड है, लेकिन अपसाइड भी रिस्ट्रिक्टेड लग रहा है। 40 तक के लेवल्स जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर एक क्लोज स्टॉप लॉस जो है वो 37 के आसपास आप लगा के रखें। दूसरी ओर अगर हम विप्रो की बात करें तो हमने देखा है कि आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम के बावजूद इस स्टॉक ने इतना जो है पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया है। काफी महीनों से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि 370 के जोन्स को काफी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है सपोर्ट के तौर पे, तो उन लेवल्स को ध्यान रखते हुए हम इसमें बने रह सकते हैं। ऊपर 410 एक इमीडिएट लेवल है जो दिख रहा है, उसके बाद 430 लेवल्स एक्सपेक्टेड है।